हमारा पहला पोयम है रेनिंग रेनिंग। तो बच्चों को नहीं समझ में आता है तो हम लोग ने पूरा ये रेनिंग का हम लोग ने पूरा ये पिक्चर ही बनाया है, देख रहे हो ना आप लोग। ये यहाँ पे हम लोग ने यहाँ पे बच्चों को वो पोयम लिख के दिया, इसके बाद वो पोयम पढ़ाने के बाद हम लोग ने ये बच्चों से क्वेश्चन किया, तब वो बच्चों हो सकता है ओरल उनको न समझ में आ रहा, लेकिन ये पिक्चर देख के तो उस बच्चों को समझ में आएगा रेनिंग है। अभी रेनिंग के बाद क्या, रेनिंग में क्या होता है तो बच्चों को समझ में आएगा रेनिंग का मतलब क्या होता है बारिश। अभी देखिए रेनी सीजन कितने टाइप्स के होते हैं, मतलब सीजन्स कितने टाइप के होते हैं ये बच्चों को पता नहीं रहता है, तो हम लोग ने बच्चों को क्या बताया रेनी सीजन के बाद आता है विंटर, विंटर के बाद आता है समर सीजन। अभी देखिए आप लोगों को भी बारिश, रेनी सीजन मतलब बारिश, ये बच्चों को हम लोग ने इस चार्ट में दिखा दिया ये बारिश है। अभी बारिश उनको कैसे समझा, ये गर्ल्स के हाथ में क्या है अम्ब्रेला है, छाता है, तो इसका मतलब बारिश हो रहा है तभी तो छाता लिए। अभी यहाँ पे रेनकोट है देखो ये बच्चों को, यहाँ पे बोट ये वाटर है बच्चों को, हम लोग ने बोला ये पानी है, तो बारिश में बहुत से बच्चे मस्ती करने के लिए क्या करते हैं नाव बनाते, कागज का नाव बनाते पानी में डालते। तो इस बच्चे को कम से कम ये पोयम इस पिक्चर के जरिए तो समझा कि ये बारिश है, बारिश में बच्चे क्या क्या करते, क्लाइमेट चेंज होता है तो बच्चों को अभी रेनी सीजन के बाद क्या आया विंटर, हमारा ठंडी स्टार्ट हो जाता है। अभी ठंडी के बाद उनको समर सीजन बताने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्यों, क्योंकि वो लोग गाँव जाते हैं उनको पता है समर सीजन मतलब क्या है गर्मी। तो इसलिए अगर हम लोग बच्चों, अभी जैसे हम लोग लीटर्स, अभी हम लोग बच्चों को बोलते हैं जाके आधा लीटर दूध लाओ, जो बच्चे बड़े हैं नीचे भी उनको हम लोग कैसे बोलते हैं आधा लीटर दूध लाने के लिए, अभी वो बच्चों को हम लोग लीटर्स कैसे समझाएंगे, वो बच्चों को हम लोग लीटर्स कैसे समझाएंगे। इसलिए जो दूध मापते हैं ना वो हम लोग ने क्या किया है, और ये भी मैं बोलूँ ये हमने बच्चों से ही करवाया है, क्लास में ही करवाया है, क्योंकि हमारे बच्चे बड़े हैं जो फर्स्ट सेकेंड में टीचरे हैं, उन्होंने बॉल एक्टिविटी के जरिए बच्चों को वो चीज समझाया है। अभी लीटर्स बच्चों को नहीं समझेगा तो हम लोग ने उनको जिससे दूध मापते ये हम लोग ने क्या बोला ये 1 लीटर, ये कितना लिखा है 50, तो वो बच्चों को उस हिसाब से उनको समझ में आया कि लीटर्स कैसे। अभी आप लोग ने बोला जाके दूध लेके आओ, अभी बच्चों को समझना चाहिए ना कि आपने कितना दूध, आधा लीटर किसको बोलते, 1 लीटर किसको बोलते, 1.5 लीटर। अभी 1.5 लीटर बच्चों को बोला तो अभी हम लोग नहीं उनको बताए 1.5 लीटर मतलब